अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दीज़ आर द हेयर स्टाइल्स दैट आई क्रिएटेड फॉर यू गाइस, जो कि आप लोग ईद पे भी स्टाइल कर सकते हैं या अगर यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तब भी कर सकते हैं। दे आर रियली सिंपल, सो लेट्स जस्ट जंप राइट इन। सो द फर्स्ट स्टाइल इज़ लूज फ्रेंच ब्रेड। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से पहले अपने बालों को कॉम करना है, उसके बाद सेंटर पार्टीशन करनी है जो कि पूरी पीछे तक ना जाए, लाइक हाफ सेंटर पार्टीशन होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने अपने बालों को जो है लूज़ फ्रेंच ब्रेड करना है, लाइक बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स नहीं लेने, अच्छे मोटे मोटे चंक्स लेने हैं और उसको आपने अपने जिस तरह नॉर्मल फ्रेंच ब्रेड होती है उस तरह उसको बनाना है। जब आप पूरी फ्रेंच ब्रेड कर लेंगे उसको रबर बैंड से टाई कर दें। अब यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे आउट, मतलब सारे बाल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एंड पे एक चंक अच्छा खासा छोड़ सकते हैं अपने बालों का। जब आपकी पूरी फ्रेंच ब्रेड बन जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हल्के हाथ से पिंच करके अपने उन स्ट्रैंड्स को बाहर की तरफ खींचना है और उनको लूज़ करना है। माइंड दैट कि आपने हाथ हल्का रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना, और अच्छे अच्छे से करके जब तक आप हैप्पी नहीं होते आपको कितना लूज़ चाहिए उस तक फिर आप उसको लूज़ करते रहे। वंस यू आर हैप्पी विद इट यू आर डन विद इट। ओप्स, आई थिंक आई मिस्ड माय इयररिंग्स, सो जस्ट लेट्स गेट द इयररिंग्स। सो द सेकेंड स्टाइल इज साइड डच ब्रेड। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने बालों को सेंटर से साइड पार्टीशन करना है। अच्छा, डच ब्रेड आपकी सिंपल ब्रेड की तरह होती है, लेकिन जो बल आप ऊपर से लेते हैं डच ब्रेड में आप उल्टे लेते हैं, मतलब नीचे से लेते हैं। सो फर्स्ट मैं अपने बालों को साइड पार्टीशन करके एक मोटा सा चंक उठाऊँगी अपने साइड बालों का, और फिर मैं उनको तीन सेक्शन में डिवाइड कर दूँगी। तीन सेक्शन में डिवाइड करने के बाद मैं पहले अपना लेफ़्ट वाला, आई थिंक नो इट्स द राइट वन, राइट वाले चंक को पहले नीचे लेकर आऊँगी, फिर लेफ़्ट वाले चंक को, और इस तरह फिर मैं अपने साइड वाले बालों को बीच में ऐड करती रहूँगी। राइट से चंक ऐड करके फिर नीचे, लेफ़्ट से चंक ऐड करके फिर नीचे, और इस तरह मैं पूरी ब्रेड को कंटिन्यू करती रहूँगी। मैंने सामने से एक स्ट्रैंड छोड़ दिया है बिकॉज़ आई लाइक सम हेयर ऑन माई फेस समटाइम्स एंड इट गिव्स अ गुड लुक। तो आपकी मर्ज़ी, आप उस चंक को ऐड कर सकते हैं। पूरी ब्रेड करने के बाद आपने उसको टाई नहीं करना है, आपने पहले हल्के हाथ से नीचे से शुरू करना है उसको टक करना, और फिर आप ऊपर की तरफ उसको टक करते रहें। वंस यू आर हैप्पी विद इट, मुझे पसंद है कि मेरी डच प्रोमिनेंट हो तो मैं उसको ज़्यादा टक करूँगी। उसको फाइनल टाई करने के बाद भी आप उसको टक कर सकते हैं। सो द थर्ड स्टाइल इज़ फ्रंट फ्रेंच ब्रेड। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा क्राउन वाला हिस्सा है उसको हम अलग करके उसको हमने क्या करना है कि उसको हमने अच्छे से पीछे की तरफ कॉम कर देना है, ताकि वो एक प्रॉपर उन बालों को, मतलब एक आइडिया हो कि अच्छा ये वाले बाल पीछे की तरफ जाने हैं। जब हम वो वाले सारे बाल पीछे की तरफ कर लेंगे तो हमने अपना टेल कॉम लेना है और उससे हमने एक एक चंक उठाना है अपने बालों का, उसको फ्रंट की तरफ लेकर आना है। फ्रंट की तरफ लेकर आकर आप उसको फिर बैक कॉम करेंगे। फ्रंट की तरफ जब आप बाल लेकर आते हैं ना तो उससे बैक कॉमिंग बड़ी अच्छी होती है और वो काफ़ी देर तक स्टे करती है। तो इसी तरह मैं तीन से चार चंक उठाऊँगी अपने बालों के और उनको अच्छे से बैक कॉम करूँगी।
अब मेरे बाल बैक कॉम्बिंग हो चुके हैं, अगर आपको उसकी हाइट ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप हल्का हल्का सा टेल कॉम्ब से उसको ब्रश करेंगे ना जब, तो वो कम हो जाएगी। सो आई एम हैप्पी विद हाउ इट लुक्स। तो मैं क्या करूँगी, अब अपने साइड वाले बालों से एक पतला सा चंक उठाऊँगी और उससे एक नॉर्मल फ्रेंच ब्रेड करूँगी। अब मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ सामने वाले बाल जो हैं अपनी फ्रेंच ब्रेड में ऐड करने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं बाल ऐड नहीं करूँगी। आई एम नॉट टेकिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, आई एम टेकिंग जस्ट फ्रॉम द फ्रंट साइड। और इसमें मैं अपने सारे बाल नहीं लूँगी, मुझे फ्रंट पे कुछ पोर्शन अपने बालों का चाहिए, तो मैं पीछे की तरफ जाती रहूँगी और अपने बाल ऐड करती रहूँगी। माइंड इट, ये ब्रेड फुल नहीं बनानी, मैंने ज़्यादा बाल ऐड नहीं करने, मैंने तकरीबन 4 से 5 स्ट्रैंड ऐड किए हैं और उसके बाद मैंने उस ब्रेड को सिंपली कंटिन्यू किया है बग़ैर स्ट्रैंड्स ऐड किए। जब मेरी ब्रेड पूरी बन जाएगी, उसको इलास्टिक से सिक्योर करने के बाद मैं अपनी बैक कॉम्बिंग वाले पार्ट के नीचे बॉबी पिन से उसको टाई कर दूँगी। इससे वो मेरी बैक कॉम्बिंग के नीचे छुप जाएगी और बहुत नाइस लुक देगी। सो दिस हेयर स्टाइल इज़ वेरी सिंपल और मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसेस पर और बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ पर देखा है एंड इट लुक्स रियली रियली गुड। सो आई थॉट वाई नॉट क्रिएटिंग इट। दिस स्टाइल इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड फ्रंट। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो अपनी सेंटर पार्टीशन करने के बाद एक चंक उठाना है, उसको सिर्फ गोल गोल मोड़ना है। मैंने उसको कोई दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं, मैंने जस्ट उसको गोल गोल मोड़ते रहना है और उसमें जो है मैं अपने स्ट्रैंड्स ऐड करती रहूँगी। अब इसमें भी आप देखेंगे मैंने फ्रंट से अपने जो पीसेज हैं हेयर के वो छोड़े हैं, ठीक है। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप फ्रंट से पीसेज लेना चाहें आप ले सकते हैं, और अगर आप छोड़ना चाहें तो जिस तरह मैंने छोड़ दी और मैं बैक तक अपने हेयर उसमें ट्विस्ट कर रही हूँ, उसी तरह ट्विस्ट करने के बाद मैं फिर से एक एक्स्ट्रा ट्विस्टिंग करती रहूँगी, बाल ऐड नहीं करूँगी और उसको उसी तरह बगैर, अच्छा इसको मैंने रबर बैंड से सिक्योर नहीं किया है, सिर्फ अपनी बैक कॉम्बिंग के नीचे ले जाकर मैंने उसको बॉबी पिन से उसको सिक्योर कर दिया है। माइंड इट कि आपने दो बॉबी पिन यूज़ करनी है, उनको क्रिस क्रॉस करना है, उससे फिर ये है कि वो खुलेगी नहीं। सो दिस हेयर स्टाइल इज़ सुपर ईजी। ये ब्रेडेड हेडबैंड है और मैंने अपने टीन एजेस में ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा किया है। बहुत सिंपल है, मैं अपने सारे बालों को पहले पीछे की तरफ लेकर जाऊंगी, हाफ बाल टाई कर दूंगी ताकि वो मेरी ब्रेड्स के बीच में ना आए, और अपने कान के पीछे से मैंने एक चंक लेना है अपने बालों का जो ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, ठीक है। और उसको मैंने सिंपल जो है तीन बल वाली जो चुटिया होती है, जो नॉर्मल ब्रेड होती है, मैं उसमें उसको ब्रेड कर दूंगी। ब्रेड करने मैंने तब तक ब्रेड करना है जब तक उसका जो पूरी जो उसकी लेंथ है वो मेरे दूसरे कान तक ना आ जाए, ठीक है। तो मैं उसको बीच में एक बार चेक भी करूँगी, जब वो पूरी मेरे दूसरे कान तक आ जाएगी तो फिर मैं उसको वहाँ पे रबर बैंड से सिक्योर कर दूँगी। और मैंने दोनों साइड्स पर यही करना है। जब मैं दोनों साइड्स पर ये कर चुकी हूँ तो मैंने क्या करना है कि अब ये आप देख रहे हैं जिस तरह मैंने दोनों को सिक्योर किया है दोनों साइड्स पर और दोनों को बॉबी पिन लगा दी है। माइंड इट कि आपने दोनों जो आपकी स्ट्रैंड्स हैं जो एक से शुरू हो रही है दूसरी उस पर आ रही है, आपने दोनों को इकट्ठा बॉबी पिन करना है। उससे ये होगा कि दोनों इन प्लेस रहेंगी। जो आपकी बॉबी पिन की जो ग्रिपी साइड होती है, जो वेवी साइड होती है, उसको आपने सेंटर में करना है। अगर आप उसको ऑल द वे इन लेके जाएंगे तो वो लूज़ रहेगी। जो ग्रिपी साइड है वो जब सेंटर में रहेगी तो आपकी बॉबी पिन टाइट रहेगी और आपकी ब्रेड्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। नेक्स्ट हेयर स्टाइल साइड टच ब्रेड। ये करना चाहें तो बहुत सिंपल भी है और अगर ना करना चाहें तो बहुत मुश्किल भी है, बिकॉज इट यूज़ टू बी द हार्डेस्ट हेयर स्टाइल फॉर मी। तो मैं अपने दोनों जो है ना अपने बालों को साइड पे पार्टीशन कर दूंगी। मेक श्योर आपकी जो पार्टीशन है वो बराबर हो क्योंकि वो विजिबल होती है। एक साइड को मैं अपने क्लिप से जो है टाई कर दूंगी, दूसरी साइड पे मैंने फ्रंट से एक चंक उठाया है, उसको तीन में डिवाइड किया है और जिस तरह हमने अपनी पहली वाली डच ब्रेड में किया था, पहले राइट स्ट्रैंड नीचे देन लेफ्ट स्ट्रैंड नीचे। जब हम एक पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमने अपने जो हेयर के पीसेज हैं लेफ़्ट और राइट साइड से उसमें ऐड करते रहने हैं और उसमें फिर हम लोग नीचे की तरफ करते रहेंगे।
डच विद डच ब्रेड यू हैव टू बी रियली इमेजिनेटिव. मैंने ये इस तरह सीखी है कि आई क्लोज माई आईज़ एंड आई इमेजिन कि ये मैं अपने सामने बना रही हूँ, तो मेरे हैंड की मूवमेंट जो है आई इमेजिन कि मेरे सामने है, सो इट्स क्वाइट ईजियर फॉर मी. तो बेटर यही है कि आप अपनी इमेजिनेटिव पावर को यूज़ करें डच ब्रेड बनाते हुए, बिकॉज इट मेक्स इट रियली सिंपल. तो मेरे लिए तो इट वर्क्स आउट फॉर मी. यू गाइस शुड ट्राई इट एज़ वेल, बिकॉज आई यूज़ टू हेट डच ब्रेड्स. बनानी बहुत मुश्किल होती थी, बट इट मेक्स इट सो सिंपल फॉर मी नाउ. तो इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू. सो मैं क्या करूँगी, जब मैं दोनों साइड से डच ब्रेड्स बना लूँगी, तो मैं इसको एक सिंपल पोनी टेल में भी बना सकती हूँ. चाहूँ तो मैं इसको एंड तक कंटिन्यू भी कर सकती हूँ, बट वो बहुत स्पॉटी लुक हो जाएगा. बट नो, आई डोंट वॉन्ट दैट. तो मैं क्या करूँगी, उसको पोनी में बांधूँगी. हाँ, फॉर दोज पीपल हु डज़ नॉट लाइक देयर हेयर टू बी इन अ पोनी टेल, तो वो जूड़ा भी बना सकते हैं. इट लुक्स अमेजिंग विद जूड़ा एज वेल, एज यू गाइज कैन सी. इट डज़ नॉट लुक ऑड. तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है एंड दे डोंट वॉन्ट देयर हेयर टू बी ओपन, दे कैन ईजिली टाई दम इन द जूड़ा. सो गाइज, दीज आर द लुक्स. आई होप दैट यू लाइक इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, देन प्लीज़ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी. इट हेल्प्स मी अ लॉट. एंड इफ देर आर एनी रिक्वेस्ट, देन कॉमेंट डाउन बिलो. प्लीज़ 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 सपोर्ट माई वर्क. इट means a lot to me, and I shall see you guys in the next one. Bye bye.